नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार युधिष्ठिर के मुख से अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुन के गुरु द्रोणाचार्य एकदम क्रोध में जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि उन्होंने जो भगवान परशुराम द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं उनसे वो इस समग्र संसार में सारे मनुष्यों सारी जातियों का सर्वनाश कर देते हैं, पूर्ण तरीके से विध्वंस लेने का निर्णय वो ले लेते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। जिस प्रकार उन्होंने भीष्म पितामह को ज्ञान दिया था मृत्यु से पहले, उसी प्रकार वो समय को स्थिर करके गुरु द्रोणाचार्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तो आइए उसके आगे का ज्ञान लेते हैं, एपिसोड नंबर 246 पार्ट 1। मैं मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। बिल्कुल सत्य। अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के कारण, प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह। सत्य। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया? प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है। भावनाओं का अंतर देख रहे नहीं, वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। वाह, अति उत्तम। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। लाइन तो एकदम दिल की हो गई भाई। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह मोह धर्म है। गुरु द्रोणाचार्य को भी शिक्षा प्राप्त हो गई। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी, उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती। अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? हाँ, उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं होती। अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। ये बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है। भय अंत में सुना और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए। गहन विचार करने वाली बात है। शिक्षक बनकर रह गए आप। अब इसमें गलती पिता की देंगे कि पुत्र की? ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव?
मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। अश्रु आ गया। वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। ये द्रुपद वाला इंसिडेंट है। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। दक्षिणा में मुझे उनकी पराजय चाहिए। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। इतना आहट लगी होगी ना, एक कॉन्फिडेंस के साथ भगवान ने ये लाइन बोली। इसलिए महर्षि भरद्वाज, जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूं, किंतु मेरी इच्छा कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं ले। मेरी इच्छा भगवान की इच्छा है तो करे हैं आप। मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है कि मुझे भी दंड प्राप्त हो। उत्तम गुरु द्रोण, अंत समय में धर्म पकड़ ही लिया। क्या सीन दिखाया भाई, क्या धनुष चेंज हो गया भाई। नहीं, गलती हो जाती है। एक्सेप्टेबल है। मैं स्वीकार करने को सज्ज हूं। ये है गूज़बम्प्स सीन। चलिए, आपने निर्णय तो लिया। कितना शांत दिख रहे हैं आप। इसके पहले कितने व्याकुल थे। हाँ, व्याकुल थे, विचलित थे, व्याकुल थे। वही हाल का विध्वंस करने पे आ गए। वही हाल पितामह भीष्म का। पितामह भीष्म की लाइन अभी भी मुझे याद है, मेरे तीर आप पहुंच के नहीं आ रहे हैं। मेरा अंत समय आ गया है वासुदेव। और सुन, देखिए सहसा इतना परिवर्तन। अभी तो धनुष उठाया पूरा, अंतिम प्रणाम। अभी तो अर्जुन की आंखों में जो काम त्याग रहा हूं, गुरु की पीड़ा दिख रही थी वो देखना था। अर्जुन यही सोच रहा है, सर यही सोच रहा हूँ, अभी तो धनुष उठाया। द्रौपदी से कहना, महर्षि भरद्वाज के पुत्र द्रोण ने उसकी क्षमा मांगी थी। अपने अधर्म को पछतावे से खोदी। हृदय से जो गलती मान ले। असल में ये मैंने पहले कहा है,
मैंने पहले भी कह रखा था। पुत्र, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। अब पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने भी एक बात कही थी कि जब तक मेरे हाथों में शस्त्र होंगे मेरा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मुझे हरा सके, हरा दे या मेरा वध कर दे। जब तक मैं शत्रुओं का त्याग नहीं करूंगा। परफेक्टली इनलाइन किया इस चीज को। ये वाणी भगवान के मुख से निकली कि हमें उनके शत्रुओं त्याग करवाना पड़ेगा उन्हीं से। गुरु दोनों के बीच में बड़ी तगड़ी होने लगी। तपो वृत्तम इसको ज्ञान समग्र जीवन जो उन्होंने तप ज्ञान या पुण्य किया होगा वो है क्या? मुझे तो लग रहा है वो अपने प्राण छोड़ दें। उसको प्राण की उपाधि भी दे सकते हैं, जीवन भर का तप। क्योंकि देखो एकदम स्थिर बैठ गए, अब शरीर एकदम खत्म हो गया, अब केवल जो दृष्टिधर्म को करना है वो करेंगे। प्रेजेंटेशन तो ऐसे दिखा जाए। एक चैप्टर और समाप्त। अश्वत्थामा मृत्यु का कारण। बीच में मैंने कहा भी था अपने मित्र से कि मुझे इस पूरे प्रकरण को देख करके कहानी याद आ रही। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक वन एक सेठ महाजन रहते थे अपनी कन्या के साथ। एक युवक टहलते घूमते नौकरी की तलाश में किसी भी तरीके से उस वन से गुजर रहा था और वो मिल गया सेठ महाजन से। अच्छा, महाजन ने उनको अपने यहां काम पे भी रख लिया। उनकी पुत्री और उस लड़के के बीच में संबंध बने प्रेम पूर्वक। महाजन ने इस बात को स्वीकृति भी दी और उनका विवाह कर दिया। विवाह को अभी हफ्ते दो हफ्ते ही बीते थे कि डाकुओं ने वन में आक्रमण कर दिया। अब वन में आक्रमण करने के बाद उन्होंने इस प्रकार से क्रूरता दिखाई कि सब भयभीत हो गए दोनों। उन्होंने अपनी कन्या से कहा, महाजन ने, कि तुम अपने पति के पास जाओ। पति ने कहा कि तुम मेरा साथ छोड़ो, मैं तुम्हारे पिता को बचाने की पूर्ण प्रयास करूंगा। फिलहाल तुम अपना और मेरे बच्चे का रक्षण करो और यहां से जाओ, मैं इनको रोकता। इससे यह प्रतीत होता है कि कन्या गर्भवती थी। अब वो कन्या रक्षण करते हुए जंगल के बाहर निकलती है। रात हो जाती है। एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो कन्या उसके पास जाती है और देखती है कि एक व्यक्ति फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। उसको बहुत अत्याचार किया है लोगों ने पर उसके प्राण निकल नहीं रहे। व्यक्ति से पूछती है कि आपने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है कि फांसी पे लटकने के बाद भी आपके प्राण नहीं निकल रहे। तो उन्होंने कहा, मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किया है, बल्कि मैंने एक संकल्प लिया था कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है मेरे पूरे जीवन में, धन वैभव सब कुछ, वो मैं केवल और केवल अपनी पत्नी को उसका राज बताऊंगा, क्योंकि वो सब मैंने छुपा रखा है। और मुझे मारा पीटा इसीलिए गया है क्योंकि मुझसे वो चीजें हासिल करने का प्रयत्न हो रहा था। कन्या कहती है, बताइए इसका निवारण क्या करो। तो वो कहता है, तुम मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि मेरे शरीर में रक्त बिल्कुल शेष नहीं है। मैं यहां पर बैताल बन जाऊंगा लेकिन मेरे प्राण नहीं जाएंगे। तो तुम मुझसे विवाह कर लो और विवाह के पश्चात मैं तुमको अपना समग्र राज बता करके स्वयं धरती से पलायन करूंगी। कन्या ने विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उन्होंने उसको राज बताया, जिसके बाद कन्या को धन प्राप्त हुआ। धन प्राप्त करने के बाद उसने अपने लिए घर बनाया, अपने लिए रहने की व्यवस्था की। लेकिन जैसा कि वो गर्भवती थी, अब वो क्या करे, समाज से कलंकित होने के डर से उसने एक पुरुष को अपनी सारी बात बताई। सारी बात बताने के उपरांत उस पुरुष ने उससे विवाह करना स्वीकारा।
और यह भी प्रण लिया कि आजीवन कोई दूसरा नहीं पैदा होगा, कोई दूसरा बच्चा नहीं करेगा। दिन बीते, लड़का पैदा हो गया। अब बड़ी अच्छी जिंदगी चली और वो दिवंगत हो गए जो उनके पिता थे। अब बारी आती है तर्पण यानी पिंडदान। तो पिंडदान जब देने के लिए लड़का घाट पे पहुंचा, तो घाट पे जब उसने पिंड प्रदान करने के लिए अपना हाथ जल की ओर प्रवाहित करने के लिए आगे बढ़ाया, तो सहसा नदी से तीन हाथ निकले। पहली चीज, तीनों हाथ किसके थे? तो वो तीनों हाथ थे उनके पिता के, तीन पिता के। पहले पिता वो जिसने लड़की का रक्षण किया, अपनी पत्नी का रक्षण किया और अपने पुत्र का रक्षण किया, डाकुओं से बचाया, क्योंकि अगर उन्होंने ना बचाया होता तो संभव ही नहीं था कि यह कहानी आगे बढ़े। अपना बलिदान दिया उन्होंने अपने। दूसरा कि वो कन्या जिस स्थिति में आगे बढ़ी और दूसरे पिता उनको प्राप्त हुए, लड़के को दूसरे पिता प्राप्त हुए, अगर उन्होंने धन संपदा नहीं दी होती तो आज उनका जीवन इतना सुखमय नहीं बीत रहा हो। सुखमय बीतता कि नहीं बीतता वो भी एक संशय था। तीसरा, वो लड़का जो गरीब था, अगर उसने संस्कार की छाया, पितृत्व की छाया अपने पुत्र को ना प्रदान की होती तो इतनी संपत्ति होने के बाद भी उसका पूरा जीवन कलंकित होता। खैर, एक प्रश्न मेरा अभी भी शेष है, वो ये कि आपको क्या लगता है उस बालक को किसके हाथ में वो पिंड दान देना चाहिए? ये उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कहानी लंबी हो गई है तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल के लिए राधे राधे।